Today in your lecture number 7, we are going to learn a very new thing, which is division of the fraction. Previously in the 6th lecture, we already learned about the multiplication in the fraction and the decimal. Yani abhi tak decimal humne start nahi kiye hain. Abhi hum multiplication of fraction dekh chuke hain. Now we are going to continue our chapter with division of the fraction. So, क्या इसकी ज़रूरत है हमें कि हमें ये क्यों सीखना पड़ रहा है? तो उसके लिए है, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने रखा है. इफ़ आई हैव द पेपर विच इज़ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि मेरे पास कोई पेपर है जो है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, तो अगर आई एम गोना डिवाइड, यानी मैं उसके 3 पार्ट कर देती हूँ, तो वो कितने सेंटीमीटर का बनेगा? तो सिंपली आप क्या करोगे, 6 / 3, तो आपको पता चल गया हर पेपर 2 सेंटीमीटर का है. या फिर अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती तो हर पेपर 3 सेंटीमीटर का है. बट समवन आस्क्ड मी टू डिवाइड दिस पेपर इनटू 3 2 पार्ट, यानी 3 2 सेकेंड पार्ट में आपको इसे डिवाइड करना है. तो सो व्हाट आई हैव टू डू, 6 / 3/2. लेकिन हमें तो ये चीज़ आती ही नहीं है कि हम कैसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स को या फ्रैक्शन फॉर्म को किसी भी सिंपल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना होगा, पहले हम नॉर्मल नंबर डिवाइड करना सीखेंगे कि कैसे आप नॉर्मल नंबर को डिवाइड कर सकते हो. उसके लिए है डिवीजन ऑफ द होल नंबर बाय द फ्रैक्शन. इट इज़ वेरी इजी, ऐसा कह सकते हैं फ्रैक्शन में डिवीजन सबसे इजी चीज़ है. सिर्फ एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. इफ़ दिस सर्कल हैव अ 1 पार्ट, मीन्स अगर कॉमनली मैं इसे क्या कहूँगी, 1. ओके, जो हमने आगे सीखा 1 कैसे होता है, 1.5 + 1.5 करके. ओके, तो ये टोटल 1 है. 1 में से एक मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. नाउ दिस इज हाफ, दिस इज हाफ. इफ़ आई समवन आस्क मी कि ये कितना पार्ट है, इस पोर्शन में हाफ पोर्शन कितना है, तो मैं क्या करूँगी, 1/2. सो अब मैं क्या करूँगी, सिंपली इसका मैं क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी. यानी डिवाइड जिससे करना है उसको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि ऊपर का पार्ट नीचे, नीचे वाला ऊपर. तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 1 × 2 = 2. यानी 2 हाफ पार्ट मिला के पूरा 1 बन रहा है. ओके, तो अब आप ये वाला सम कर सकते हो. ऑफ कोर्स यस, क्या करोगे, 3/2 को क्या कर दिया मैंने, 2/3 कर दिया. 3 × 2 = 6, क्या आंसर आया हमारे पास, 4. ठीक है, तो यानी कि एक 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं आपको यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझा दूँ. अगर मैंने आप अभी क्या किया है, तो वो है, किसी ने मुझे कहा कि 3/2 पार्ट में इसे डिवाइड करो. सो मैंने हर किसी को 3/2 पार्ट में डिवाइड किया, मेरा आंसर क्या आया है, 4. यानी कि 1 स्क्वायर के कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे, या फिर इतना सेंटीमीटर हर कोई लेगा. नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल, हमें सबको ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या है. तो द नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है, विच मीन्स जो नंबर जीरो नहीं है, द नंबर्स हु आर नॉन जीरोस, यानी जो जीरो नहीं है, हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर, अगर आप उन्हीं नंबर के एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो और आपका आंसर मिलता है 1, सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का एग्जांपल, इफ सपोज 2 इज द माय नंबर, ओके, और इसका रेसिप्रोकल है 1/2, तो मैं जब भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1. सेम फॉर हियर, 7 × 1 = 7, 7 कट हो गए, 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/7, तो 1/7 का रेसिप्रोकल 7. यानी ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका. रेसिप्रोकल सिंपली मीन्स ऑपोजिट. ओके, यानी कि उसका उल्टा, उल्टा कह सकते हैं, ऑपोजिट कह सकते हो आप. जैसे 7 को मैंने क्या लिख दिया, 1/7, यानी जो नंबर था वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा.
और एक ही नंबर को, द नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर, खुद ही नंबर अपने प्रोडक्ट के साथ जब मल्टीप्लीकेशन होगा और आंसर एक मिलेगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। फॉर मोर एग्जाम्पल, अभी तो हमने ऐसे वाले देखे 7, सो इफ आई एम राइटिंग 5/7, तो 5/7 का रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल इज 7/5। मोर एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा 5/3। अब क्या इनके मल्टीप्लीकेशन से आंसर 1 आता है, ये भी चेक करना जरूरी है ना। सो लेट्स डू, मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा नंबर्स कट हो जाते हैं, यहाँ अगर मल्टीप्लीकेशन रख दें 5/5 से कट हो जाएगा 3/3 से, सो आंसर मस्ट बी 1। आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ओके, तो अभी तक में हमने जो बात की थी पहले, वो हमने बोला कि इफ़ डिवाइजर डिवीज़न ऑफ द होल नंबर बाय द फ्रैक्शन, किसी होल नंबर का फ्रैक्शन वाले फॉर्म से डिवीज़न करने के लिए हमने क्या किया, रेसिप्रोकल। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद डिवीज़न ऑफ द फ्रैक्शन बाय द होल नंबर। अब फ्रैक्शन को अगर होल नंबर से कभी मल्टीप्लीकेशन करने का आए तो क्या होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्या होता है वो बिल्कुल सेम है दोनों चीज़। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, 3/4 इज डिवाइडेड बाय 3, तो अब मैं क्या करूँगी, 3/4 को कॉमन रख दूँगी, ये डिवाइड को क्या बना देना है, मल्टीप्लीकेशन, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, सिंपली कट हो गया, आंसर क्या आएगा 1/4। मोर एग्जाम्पल, इफ सपोज ठीक है ये, तो मैं क्या करूँगी, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो अब 1 बन जा 1, क्या आंसर आएगा 1/8 आंसर हो जाएगा सिंपली। लेकिन अगर कभी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिए, हमने अभी तक में मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखा है आगे, ठीक है, तो वैसे कोई सम्स पूछ लिया, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इफ़ मिक्स फ्रैक्शन इज देन वॉट टू डू, क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन, 3/2 = 6+2/3 डिवाइडेड बाय 5, 8/3 डिवाइडेड बाय 5। अब तो ये सिंपल फॉर्म में हो गया, ये फ्रैक्शन और डिवीजन को साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, 5 क्या हो जाएगा 1/5, 8/1 = 8, 5/3 = 15। मीन्स कि जब भी कभी आपको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है तो हम पहले से ये चीज़ तो हमें पता है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, आप क्या करेंगे, डरेंगे नहीं उससे, क्या कर देंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, नाउ कभी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन करने का आएगा तो क्या करेंगे, सिंपल कोई एक नंबर को आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दो। ये 6/5 को मैं इसका रेसिप्रोकल 5/6 कर दूंगी, ठीक है, या तो फिर मैं कर सकती हूँ 3/1/6/5, आंसर क्या आएगा सेम, चेक करना है तो कर लो, ओके सॉरी यहाँ पे क्या है, थोड़ी एक मिस्टेक हुई है, लेट्स चेंज द क्वेश्चन। ओके, हमें हमेशा क्या करना है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी, अगर आप 1/3 को डिवाइड कर रहे हो 6/5 से, तो आपको डिवीजन के बाद वाले नंबर को क्या करना है, चेंज करना है। सो आपको मिलेगा 5/1 = 5, 6/3 = 18। ओके, सेम फॉर द दिस क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा है हाफ, मैं डिवीजन को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन, 3/4 क्या हो जाएगा 4/3, तो अब आप 2/2 = 4 कर सकते हो, नाउ योर आंसर इज 2/3। ओके, तो
अभी हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन देखे उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज दी हुई है. द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 2.4. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर क्वेश्चन नंबर सॉरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज फाइंड. यानी आपको अभी क्या दिया हुआ है, होल नंबर में से डिवाइड करना है फ्रैक्शन फॉर्म को. सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, 3/4 को कर देंगे 4/3. 3 के टेबल में 12, 4 जा. नाउ जो ऊपर बचा है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन करने से आपको आपका आंसर मिलेगा. सेम फॉर द सेकेंड नंबर, क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे. सो 14/6 जा कितना होता है, 84/5. सेम फॉर द हियर क्या हो जाएगा, 7/3 को हो जाएगा 3/7. मल्टीप्लीकेशन करेंगे 24/7. ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 is divided by 8/3. तो क्या कर देंगे, 4 multiply 3/8. रेसिप्रोकल क्या है 8/3 का, आप चाहो तो साथ में लिख सकते हो दैट यू आर रेसिप्रोकल ऑफ द 8/3 is equal to 3/8. सो आंसर इज 3/2. मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ. जैसे कि सिंपल अभी क्या करेंगे, इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 3 2 जा 6 plus 1/3. सो 7/3 अब हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 3/7. 3 3 जा 9/7. ओके, सेम फॉर हियर. सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 7 3 जा 21 plus 4 25/7. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ 25/7 is 7/25. तो 7/25 फाइव जा, सो क्या आएगा आपका आंसर, 7/5. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द रेसिप्रोकल. आपको इन सारे डिजिट्स या नंबर फ्रैक्शन फॉर्म के क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है. साथ में ये भी बताना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इनप्रॉपर है और कौन से होल नंबर्स हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेसिप्रोकल नंबर विद द क्वेश्चन नंबर 1 इज 3/7. अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7/3. तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं आपको पहले एक बार डिफाइन बता दूं. प्रॉपर फ्रैक्शन मींस जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा हो और न्यूमरेटर हमेशा बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो. और इट मींस ऊपर वाला जो डिजिट्स है वो बड़ा होना चाहिए, नीचे का होना चाहिए छोटा. तो वो नंबर किस क्या बन जाएंगे, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में इससे उल्टा होता है. ओके, तो मैं ये चीज़ समझाने के लिए आपको हमारे फर्स्ट लेक्चर के पास लेके जाऊंगी, जहां हमने सीखा था. तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1. यानी कि जिसको डिवाइड करने से जीरो वाले आंसर आते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. तो हमने क्वेश्चन किया हमारा न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. तो ये क्या हो गया है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. कैसे, तो इफ आई एम गोना डिवाइड दिस नंबर तो आप क्या लिखोगे, 3 2 जा 6. और जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, 0 पॉइंट से शुरू होता है. ओके, तो ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और सेकंड क्वेश्चन है 5/8. लेकिन हमारा कि हम इसको रेसिप्रोकल कर देने से क्या हो गया, ये 8/5. इसमें भी ऊपर वाले डिजिट्स क्या है, बड़े हैं, नीचे वाले छोटे हैं. सो दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, 7/9. तो अगर आप इसे डिवाइड करके चेक करेंगे तो 9 से 7 नंबर डिजिट नहीं डिवाइड होगा, आप पॉइंट रख के 0 रखेंगे. ओके, तो ये क्या है, प्रॉपर.
अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती है तो आप हमेशा डिवाइड करके याद रखो कि कभी भी डिवाइड करने से मेरे को ज़ीरो रखने की ज़रूरत पड़ रही है पॉइंट रख के, तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई नंबर आ जाते हैं तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/6 अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगी तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं एक बार। तो ये तो इससे डिवाइड नहीं होगा तो ज़ीरो रखना पड़ेगा, यानी कि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम 7/12 तो मेरे को 12 से डिवाइड करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज 1/8 यानी कि इसका है 8, तो ये हो गया होल नंबर। और लास्ट क्वेश्चन इज 1/11 मीन्स 11, तो ये भी क्या हो गया, वो नंबर। ओके, जिसको भी याद ना हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं किसे, वो लेक्चर 1 में जाके ज़रूर देखें। ओके, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।